दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में सोचिए कैसा होगा अगर आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं जहां टाइम पैसे की तरह यूज किया जाता है जिससे अमीर आदमी तो अमर हो जाता है लेकिन गरीब सेकंड्स में मर जाते हैं आज की मूवी इन टाइम में हम ऐसी ही कुछ बात करेंगे टू ईयर में इंसान की एज जेनेटिकली पच्चीस साल के बाद बढ़नी बंद हो जाती है हर किसी के हाथ में एक टाइमर होता है जिसमें उनका बचा हुआ टाइम उन्हें दिखता है टाइमर जीरो पर पहुंचने का मतलब है कि उनका टाइम खत्म हो चुका है जिससे उनकी मौत हो जाएगी इस दुनिया में टाइम ही करेंसी है मतलब कोई भी चीज परचेज करने के लिए टाइम को पैसे की तरह खर्च किया जाता है हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने टाइम को ट्रांसफर कर सकता है यहाँ अलग अलग जोन है डेटन वो जोन है जहाँ गरीब लोग रहते हैं जिनके पास मुश्किल से चौबीस घंटे होते हैं और ग्रीन वो जोन है जहाँ अमीर, अमीर अमीर लोग रहते हैं जिनके पास टाइम की कोई कमी नहीं है इसीलिए ये लोग एक तरह से अमर हैं. गरीबों के जोन में हम विल नाम के आदमी को देखते हैं उसके पास सिर्फ एक दिन बचा हुआ है वो उठकर अपनी माँ रेचल से मिलता है जिसके पास तीन दिन बचे हैं लेकिन इस टाइम से उसे बिजली का बिल और लोन पे करना है विल अपने काम के लिए लेट हो रहा था रेचल उसका हाथ पकड़ती है और उसे खाना खाने के लिए अपने टाइम में से तीस मिनट दे देती है विल अपने काम के लिए निकलता है जब उसे एक लड़की मिलती है जो उससे एक मिनट मांगती है क्योंकि उसे अपने बिल्स पे करने थे विल उसे पाँच मिनट दे देता है इस शहर में सभी लोग जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि उनका टाइम बचे विल चार मिनट देकर एक कॉफी खरीदता है और देखता है कि टाइम खत्म होने की वजह से एक आदमी की मौत हो चुकी थी विल एक फैक्ट्री में काम करता है जहां उसे डेली वेजेस मिलते हैं वो रात को अपने दोस्त को लेने जाता है जो कि बार में शराब पीकर सेट हो रखा था वहीं एक आदमी बैठा हुआ था जो कि ग्रीन जोन से था ग्रीनविच जोन का इंसान कभी भी इस जोन में नहीं आता इस आदमी के पास सौ साल थे जिसे लूटने के लिए मिनट नाम का गुंडा आता है वो उससे फाइट करके उसका सारा टाइम चुरा लेगा लेकिन विल उस आदमी को वहाँ से भगाकर उसे बचा लेता है इस आदमी का नाम हेनरी है जो कि रियल टाइम में 105 साल का है विल उसे समझाता है कि उसे ग्रीनविच से यहाँ नहीं आना चाहिए नहीं तो कोई ना कोई उसे मार कर उसका टाइम चुरा लेगा हेनरी कहता है कि अगर अमीर आदमी और अमीर होना चाहता है तो गरीब लोगों का मरना जरूरी है इसीलिए प्राइस और टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं यही सिस्टम इस आदमी को ठीक नहीं लगता इसीलिए ये आदमी मरना चाहता है विल उसे कहता है कि अगर उसके पास हेनरी जितना टाइम होता तो वो कभी भी उसे वेस्ट नहीं करता दोनों के दोनों सो जाते हैं हेनरी सुबह उठकर से अपने सौ साल विल को दिखाई दे देता है, है, है।, है। टाइम कम होते हुए खत्म हो जाता है जिससे वो मर जाता है विल भागता हुआ वहां पहुँचता है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी विल सबसे पहले बोरेल के पास जाकर उसे ये बात बताता है और उसे अपनी वॉच से दस साल दे देता है क्योंकि उसने उसकी काफी ज्यादा मदद की थी अब विल अपनी माँ को ग्रीनवील जोन दिखाने ले जाना चाहता है रेचल अपने दो दिन के टाइम से लोन पे कर देती है और एक बस में चढ़ती है बस का किराया दो घंटे था लेकिन रेचल के पास अब सिर्फ डेढ़ घंटे बचे हुए थे वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि बस से उतरते हुए किराया उसका बेटा पे कर देगा लेकिन बस ड्राइवर मना कर देता है रेचल अगर पैदल जाती है तो भी वहाँ पहुँचने में उसे दो घंटे लगेंगे जब ड्राइवर नहीं मानता तो वो भागते हुए जाती है विल को जब बस से उतरते हुए अपनी माँ नहीं दिखती तो वो समझ जाता है वो भागते हुए अपनी माँ को लेने जाता है रेचल के पास कुछ ही सेकंड्स बचे हुए हुए थे जब उसे विल विल दिखता है विल भागते टाइम से पहले उसका हाथ थामने ही वाला था कि वो मर जाती है क्योंकि उसका टाइम खत्म हो चुका था विल रोने लगता है और कसम खाता है कि वो अमीर लोगों को बर्बाद कर देगा अगली सुबह हम टाइम कीपर को देखते हैं जो कि एक पुलिस की तरह काम करता है उन्हें हेनरी की बॉडी मिलती है वो कंफ्यूज होते हैं कि ये आदमी इस जोन में आखिर कर क्या रहा था और उसे लगता है कि हेनरी का सारा टाइम किसी ने चोरी कर दिया है विल ने ग्रीनविच से से अपने लिए टैक्सी बुलवाई थी वो इस टाइम जोन से अलग अलग बॉर्डर्स को क्रॉस करने के लिए तीन चार महीने के टाइम की पेमेंट करता है और फाइनली ग्रीनविच शहर में पहुंच जाता है यहाँ हर किसी के पास अपना एक पर्सनल बॉडी था और क्यूँकी यहाँ के लोगों के पास टाइम की कोई कमी नहीं थी तो सभी के सभी लोग धीरे चल रहे थे विल टैक्सी से उतर कर भागने लगता है लेकिन उसे याद आता है कि वो अब एक अमीर आदमी है जिसके पास काफी सारा टाइम है इसीलिए वो नॉर्मल चलने लगता है उसका ये बिहेवियर एक लड़की सिल्विया नोटिस करती है वो अपने लिए होटल में एक रूम परचेज करता है और उधर टाइम कीपर सी कैमरा में विल का चेहरा देख लेता है लेकिन उसे अपने ऑफिस में पता चलता है है कि विल विल ने इस टाइम जोन को छोड़ दिया है। विल एक कसीनो में जाकर एक साल के टाइम के अमाउंट की पेमेंट करता है वहाँ पर वो पोकर खेलता है जहाँ उसे फिलिप मिलता है जो की बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है क्योंकि विल के पास कोई गार्ड्स नहीं थे तो फिलिप को शक था कि विल इस टाइम जोन का है ही नहीं तभी वहाँ पर सिल्विया आकर बैठ जाती है जो असल में उसकी बेटी है फिलिप के पास 9000 से ज्यादा साल हैं, विल ऑलमोस्ट अपना सारा टाइम दाव पर लगा देता है अब उसके पास सिर्फ तीस सेकंड्स बचे हुए थे जिसके बाद वो मर जाएगा सिल्विया देख हैरान होती है लेकिन विल जीत जाता है और विल के पास अब ग्यारह साल थे इसका मतलब है की अगर विल कोई बेवकूफी ना करे तो वो ग्यारह साल तक जिंदा रह सकता है इसके बाद सिल्विया विल को अपने घर में होने वाली एक पार्टी में इन्वाइट करती है विल अगले दिन 59 नाइन ईयर स्पेंड करके एक कार को परचेज करता है और सीधा सिल्विया की पार्टी में पहुंचता है सिल्विया अपने गार्ड्स को अलग भेज देती है और विल से उसके बारे में पूछती है सिल्विया को उसके फादर फ्रीडम नहीं देते और उसे ये एक जेल की तरह लगता है सिल्विया को लगता है कि विल इस टाइम जोन से नहीं है वो कहती है कि गरीब जल्दी मर जाता है लेकिन अमीर आदमी लाखों सालों तक जिंदा रहने के बाद भी अपनी जिंदगी नहीं जीता जब तक ये कोई बेवकूफी ना करे तब तक ये लोग मर नहीं सकते लेकिन सिल्विया इस तरह की बेवकूफिया करना चाहती है क्यूँकी वो जिंदगी को जीना चाहती है विल उसे समंदर में तैरने के लिए लेकर जाता है जिससे सिल्विया काफी डरती है लेकिन उसे काफी अच्छा लगता है उसे इस तरह आज़ाद रहना पसंद था वो देखती है कि फ़िलिप उसे ढूंढ रहा है इसीलिए वो वापस चली जाती है जब सभी लोग अंदर जाते हैं तभी वहाँ पर टाइम कीपर आ जाता है वो विल को अलग रूम में ले जाकर हेनरी के सौ साल चोरी करने के बारे में पूछताछ करता है विल उसे कहता है की हेनरी ने खुद उसे ये टाइम दिया है लेकिन वो इस पर बिलीव नहीं करता वो उसका सारा टाइम एक कैप्सूल से निकालकर सिर्फ दो घंटे उसके पास छोड़ते हैं विल दो तीन गार्ड्स को मारकर सिल्विया को बंदी बनाकर वहाँ से निकल जाता है टाइम कीपर काफी देर तक उसका पीछा करता है लेकिन विल जैसे तैसे उससे बच निकलता है विल के पास सिर्फ एक घंटा बचा हुआ था इसीलिए वो सिल्विया से टाइम मांगता है लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि विल ने ही हेनरी को मारा है वो खुद को बचाने के लिए सिल्विया को अपने साथ ले जाता है जब सुबह उसकी गाड़ी कंट्रोल खो देती है तो दोनों के दोनों एक जगह गिर जाते हैं जिससे दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं तभी वहाँ पर मिनट मैन आ जाता है जो सिल्विया के दस साल चोरी करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है इसीलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं सिल्विया जब उठकर देखती है तो हैरान होती है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट्स बचे हुए हैं जिसके बाद वो मर जाएगी विल अपने टाइमर से उसे टाइम देता है ताकि वो काफी देर तक जिंदा रहे वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं उनके जाते ही वहाँ पर टाइम कीपर पहुंच जाता है टाइम कीपर अपनी कार से टाइम लेते हैं जो उनके डिपार्टमेंट वाले उन्हें देते हैं विल सबसे पहले भागता हुआ बोरेल के घर जाता है जिसे उसने दस साल दिए थे इस उम्मीद में कि वो उसे कुछ टाइम वापस दे देगा बोरेल की वाइफ उसे बताती है कि बोरेल ने विल के दिए हुए टाइम से काफी ज्यादा शराब पी ली थी जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी सिल्विया के पास अब सिर्फ दो मिनट बचे थे इसीलिए वो काफी ज्यादा घबराने लगती है विल के पास भी कम टाइम बचा हुआ था तो वो दोनों सिल्विया की इयर बेच देते हैं जिससे उनके पास अब दो दिन मिल जाते हैं सिल्विया के फादर असल में बैंक के मालिक है जो की लोन के तौर पर टाइम देते हैं जिस पर इंटरेस्ट लगता है विल फिलिप को फोन मिलाता है वो टाइम की से हजार साल की डिमांड करता है जिसके बदले में वो सिल्फिया को छोड़ देगा विल खुद के लिए टाइम नहीं मांग रहा बल्कि वो यहाँ के लोगों के लिए टाइम मांग रहा है वो चाहता है कि इस टाइम जोन के लोग गरीब ना रहे अगले दिन जब विल को पता चलता है कि फिलिप ने टाइम नहीं भेजा तो सिल्विया को वो छोड़ने का डिसाइड करता है वो सिल्विया को अपने फादर को कॉल करके हेल्प मांगने के लिए कहता है सिल्विया भी अब उसे पसंद करने लगी थी इसीलिए वो उसे किस करती है और जब वो कॉल कर रही थी तभी वहाँ पर टाइम कीपर आ जाता है जो कि विल को शूट करने वाला था और सिल्विया उसे शूट कर देती है टाइम कीपर के पास ज्यादा टाइम नहीं था तो विल उसे अपना टाइम दे देता है ताकि वो काफी देर तक जिंदा रह सके दोनों उसकी कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं लेकिन वो लोग पुलिस की कार ज्यादा देर तक नहीं चला सकते तो वो एक कार को रोक कर उनकी कार और उनका टाइम चुरा लेते हैं अब इन दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका था विल और सिल्विया काफी क्लोज आ चुके थे विल अमीर लोगों को सबक सिखाना चाहता था जिसमें सिल्विया अब उसकी हेल्प करेगी वो अपने फादर के बैंक जाकर ढेर सारा टाइम लूट लेते हैं और बाकी सबसे भी कहते हैं कि वो जितना टाइम लेना चाहते हैं ले सकते हैं विल सारा टाइम गरीब लोगों में बांट देता है ये टाइम जोन अब काफी ज्यादा अलर्ट हो चुका था क्योंकि आम लोगों के पास भी अब काफी ज्यादा टाइम था अगले दिन ये दोनों एक होटल में छुपने के चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक लड़का देख लेता है उन दोनों के सर पर अब दस साल का का इनाम था था विल विल की तलाश में था जब वो आदमी उसे विल का पता बता देता है सिल्विया कहती है कि जब से वो विल से मिली है तब से उसे लग रहा है कि वो लाइफ को जी रही है वो दोनों किस कर ही रहे थे कि मिनट मैन और उसके आदमी अंदर आकर दोनों को पकड़ लेते हैं मिनट मैन उसे चैलेंज करता है और उससे पंजा लड़ाता है जिससे विल का टाइम कम होने लगता है लेकिन अचानक विल उसमें जीतने लगता है जैसे ही मिनट मैन का टाइम जीरो होने वाला था विल सभी लोगों को शूट कर देता है और मिनट मैन का टाइम जीरो होने की वजह से वो भी मर जाता है अब हम देखते हैं कि लोन्स के रेट दोबारा से बढ़ने लगे थे विल कहता है कि बैंक लूटने से भी अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन्हें एक मिलियन चाहिए होंगे ताकि सब कुछ बेटर हो सके अगले दिन हम फिलिप को देखते हैं जिसने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी सिल्विया उसके सामने सरेंडर करने के लिए आई थी लेकिन ये सिर्फ उसकी एक चाल थी पीछे से अचानक विल उस पर गन तान देता है वो दोनों उसे अपनी बंदूक की नोक पर उसकी तिजोरी में ले जाते हैं तिजोरी खोली जाती है और यहाँ पर एक कैप्सूल रखा हुआ था जिसमें एक मिलियन ईयर्स थे फिलिप उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर एक मिलियन ईयर्स उनके टाइम जोन में डिवाइड हो गया तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा वो दोनों वहाँ से एक कार में भागने लगते हैं तभी उन्हें टाइम कीपर चेस करता है उन्हें शूट किया जाता है लेकिन वो फिर भी वहाँ से बच निकलते हैं विल विल अपनी जगह की काफी क्लोज था तभी टाइम कीपर उन्हें टक्कर मार देता है विल उस कैप्सूल को एक लड़की के हाथ में थमा देता है इतना टाइम होने की वजह से वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है जिसका फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं सभी लोग उस टाइम को आपस में बांटने लगते हैं टाइम कीपर एक जगह जाकर उन दोनों पर गन देता है वो बताता है कि कभी वो भी इस टाइम जोन से था अचानक उसे ध्यान आता है कि उसके पास टाइम नहीं बचा उसका टाइम खत्म हो जाता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है विल और सिल्विया के पास वापस जाने का टाइम नहीं बचा था वो दोनों एक दूसरे को टाइम ट्रांसफर करने की बात करते हैं ताकि उन दोनों में से कम से कम एक तो वहाँ पर पहुँच पाए लेकिन विल को याद आता है की टाइम कीपर की कार में टाइम होता है वो भागता हुआ उसकी कार में जाकर टाइम लेता है और जल्दी से सिल्विया की तरफ भागने लगता है जो की उसकी तरफ आ रही थी सिल्विया का टाइम भी खत्म होने ही वाला था कि उससे पहले वो उसे बचा लेता है वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं सिचुएशन अब ये थी की सभी लोगो के पास टाइम काफी ज्यादा था वो लोग ग्रीन विच की तरफ मूव कर रहे थे ऐसे ढेर सारे जोन और थे जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं अब हम देखते हैं कि विल और सिल्विया और बड़े बैंक की लूट करने जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये मूवी कैसी लगी आप वीडियो को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच